अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप सोच रहे होंगे कि वीडियो इतनी दूर से क्यों बना रहा हूं मैं। भाई ये माइक की टेस्टिंग हो रही है, कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि आवाज़ सही से क्लियर नहीं सुनाई देती, तो ख़र्चा किया भाई। ये एक माइक ख़रीदा है, हॉलीलैंड मार्क C1। इस तरह की पैकिंग में ये आता है, ये देखें ये बॉक्स है, आपको खोल कर दिखा देता हूँ इसको। ये इसका चार्जिंग केस भी है और इसी में ये देखें ये एक ट्रांसमीटर, ये है एक ट्रांसमीटर इधर है जो मेरे कॉलर पे लगा हुआ है और यहाँ पे इसका रिसीवर लगता है। तो आपको ये जो मेरी इतनी ज़बरदस्त और गरजदार टाइप की आवाज़ आ रही है ये इसी माइक की बदौलत आ रही है। तो उम्मीद है कि जो आवाज़ का मसला है, जो वॉइस का इशू हो रहा था कि सही तरीके से आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव भी और बड़ी ख़ास होने वाली है और ये वाकई में ख़ास होने वाली है। तो बस रेडी होते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो जो ख़ास होने वाली, मैंने आपसे ये तो जिक्र ही नहीं किया कि क्यों ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो है हमारी ग्रॉसरी। आप सोच रहे होंगे ग्रॉसरी तो सब करते हैं, इसमें कौन सी ख़ास बात है। ग्रॉसरी में मेरे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो वो सस्ती होनी चाहिए और दूसरी वो जितनी भी ग्रॉसरी खरीदें वो हलाल हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ वाजह कर देना चाहता हूँ कि जो मैं इंफॉर्मेशन आपको अभी दूंगा वीडियो में आगे चल के, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है या इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बड़ी खुशी होगी, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो अभी जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आप ये पिक्चर देखें। इस पिक्चर में आपको एक साइड पे हलाल के साइन नज़र आ रहे होंगे जिसमें अरेबिक में हलाल लिखा हुआ है इंग्लिश में, और दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यू ऊपर लिखा हुआ है कोशर सर्टिफाइड सर्विस। तो ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जब हम ग्रॉसरी करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पिक्चर में जो आपको हलाल साइन नज़र आ रहे हैं उसके लिए तो मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो चीज़ हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग्रॉसरी में। लेकिन जो दूसरे साइन हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि के यू, इसमें कुछ इस पिक्चर में कुछ साइन कम हैं, जैसे एम के भी एक साइन है, यू भी एक साइन है, इसी तरीके से सी ओ आर एक साइन है जो अमेरिका कैनेडा में ये जो सर्विसेज हैं कोशर सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, ये वो स्टैम्प्स हैं। तो इन स्टैम्प्स को हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट हैं और कुछ बेकरी, जैसे आप कह सकते हैं कि मफिन या बेगल्स या ब्रेड वगैरह हम लेते हैं, अगर ये साइन उन चीज़ों पे हैं तो हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा डेयरी है, जैसे आप दूध दही या चीज़ क्रीम चीज़, इस तरह की चीज़ें जो हम रोज़मर्रा अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ मैं वाजह करता जाऊं कि जैसे हलाल प्रोडक्ट हमें बड़ी आसानी से अगर अवेलेबल होती है तो हमारी प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि हमें हलाल प्रोडक्ट को ही बाय करना चाहिए, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। आसानी से अवेलेबल कई दफ़ा नहीं होती हैं, जो इसमें मीट बिल्कुल भी शामिल नहीं है, मीट के लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि मीट आपको हलाल ही बाय करना पड़ेगा। और ये जितनी भी स्टैम्प्स हैं, जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट या बेकरी या कुछ और सर्टन ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम इस्तेमाल करेंगे। आपने जिन चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे रिनेट एक इंग्रेडिएंट है आमतौर पर यूज़ होता है चीज़ों में, दूसरा है लिपेज के नाम से है, इसको हमने अवॉइड करना है, और एक है मोनो एंड डीग्लिसराइड्स। माजरत के साथ मैंने इसका प्रोनंसिएशन जो है वो मैंने गलत की थी कि मोनो एंड डीग्लिसराइड्स, ये डीग्लिसराइड्स नहीं है नाम इसका, इसका नाम है मोनो एंड डीग्लिसराइड्स। तो इसके दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, ये प्लांट बेस्ड भी हो सकता है और ये एनिमल भी इसका सोर्स हो सकता है। लेकिन जैसे ब्रेड है, ब्रेड पे अगर ये लिखा हुआ है मोनो एंड डीग्लिसराइड, तो आप उसके आगे ज़रूर ये चीज़ मेंशन होगी कि इसकी जो सोर्स है वो प्लांट बेस है। अगर लिखा हुआ है तो फिर तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि मेरे साथ कुछ एक दो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे कि घर में जैसे कभी कोई गेस्ट आता है तो वो कोई गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं, जैसे केक या बेकरी का कोई स्टफ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको इस बारे में डिस्क्राइब करना कि ये चीज़ हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो वो बिल्कुल भी, मैं ये बात नहीं कह रहा कि वो लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, हर बंदा इस चीज़ का ख्याल करता है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी होने की वजह से। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ जो हमें इस मसले में हेल्प कर सकती है, मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि चाहे आप यहाँ पे न्यू कमर हैं या कनाडा में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं या पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, तो जो चीज़ें मुझे अंडरस्टैंड करने में कुछ साल लग गए, इंशाल्लाह ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो चलते हैं, अब स्टोर चलते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें और वो साइंस भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी हम चल के देखते हैं जो मैंने आपसे बोला था कि हमें जो ग्रॉसरी करते हैं किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे ये बच्चों के कुकी हैं, बड़े शौक से बच्चे ये कुकी खाते हैं। ये देखें, बिल्कुल सामने ही COR की स्टैंप लगी हुई है, ये भी हम ले सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें, ये मफिन्स लगे हुए हैं, कैरेट मफिन है, चॉकलेट चिप है, लेकिन सबके ऊपर COR की स्टैंप है। ये देखें यहाँ पे भी, ये हम ले सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर वो चीज़ दिखा दूँ जो हर घर में आम इस्तेमाल होती है। वैसे तो इधर बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो पड़े हुए हैं ब्रेड्स के, लेकिन जो मोस्ट फेमस हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से ये डैमस्टर है। डैमस्टर हम यूज़ करते हैं और इसका आप देखें, इसके ऊपर किसी किस्म का साइन नहीं है, लेकिन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये देखें, ये मिनी नान पड़े हुए हैं, घरों में आम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस पे कहीं भी वो स्टैंप नहीं है जो हम देख रहे हैं, कोई भी साइन नहीं बना हुआ। इसको हम अगर इसके इंग्रेडिएंट चेक करेंगे, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम खा ना सकते हो, ये चीज़ हम खा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको होता है कि आपको देखना पड़ता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करके अगर उसमें रेनेट, लिपेज या कोई मोनोडिजिग्लिसराइड्स टाइप का कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। जी, अब हम जा रहे हैं दूध, दही, क्रीम चीज़ और इस तरह की चीज़ें जो आम तौर पे नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैं आपको वो दिखाता हूँ। दही वाला सेक्शन आ गया, खैर ये तो हलाल लिखा हुआ है इसके ऊपर सामने, ये हलाल कंपनी है, उसका नाम है। मैं आपको इसकी स्टैम्प दिखा देता हूँ, इसकी ये देखें, इसमें हलाल लिखा हुआ है। ये देखें, ये दही, ये यहाँ की लोकल कंपनी है जो तैयार करती है। ये देखें COR की स्टैंप। अच्छा, फिर उसमें ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ काफ़ी इस्तेमाल होता है, ये देखें डिफरेंट किस्म के फ्लेवर हैं इसमें। ये देखें, ये देखें MK की स्टैंप लगी हुई है। ये देखें, ये कॉटेज चीज़ पड़ा हुआ है 1%, इसके ऊपर ये देखें COR की स्टैंप, खा सकते हैं। अब ये देखें, इसमें आपको दिखाता हूँ, ये देखें MK का साइन। ये सारे फ्लेवर्ड योगर्ट पड़े हुए हैं, ये देखें इनके ऊपर COR का निशान जो स्टैंप लगी हुई है। MD की सर्टिफिकेशन भी इनके पास है। ये बेसिकली सर्टिफिकेशंस हैं, ये जो जितनी भी स्टैम्प्स हैं। बटर नाश्ते की टेबल पे हर किसी के घर पे होता है। ये देखिए, अगर आपने बटर भी लेना है तो ये देख रहे हैं आप COR आपको स्टैम्प नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी ब्रांड का लेना है, हम घर में ये यूज़ करते हैं, ये देखें COR का यहाँ पर मार्क है। बेजल, ये देखें इसके ऊपर COR का निशान है। यहाँ से ये चीज़ का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, ये देखें यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है ब्लैक डायमंड। इसके इंग्रेडिएंट्स ये देखें, बैक्टीरियल कल्चर, कैल्शियम क्लोराइड,
नेटो माइक्रोबायल एंजाइम, ये चीज़ हम खा सकते हैं, माइक्रोबायल एंजाइम वाली चीज़ हम खा सकते हैं। दूसरी एग्जांपल ये है, ये देखें, क्रैकल बैरल है, ये ब्रांड है, काफ़ी मशहूर है, ये देखें। और ये इसके ये इंग्रेडिएंट्स रहे, ये देखें, बिल्कुल लास्ट इंग्रेडिएंट इसका लिपेज लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये हम नहीं खा सकते। लिपेज, रेनेट, आइसक्रीम, इसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अब अभी हम देखेंगे, ये देखें सी ओ आर स्टैंड। इसी तरीके से कोई दूसरा ब्रांड देखते हैं, ये देखें, ये ग्रेट वैल्यू है, इसको हम चेक करेंगे, सी ओ आर स्टैंड। बस आपको इन चीज़ों का आइडिया देना है कि आप कहीं से भी, कनाडा, अमेरिका अगर रह रहे हैं तो कोई भी चीज़ बाय करते हैं, आइसक्रीम हो, दूध, दही, चीज़, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। कुछ चीज़ों में ये, जैसे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, अब ये नान है, सिंपल फ्रोजन, लेकिन यहाँ पे ये वी का लिखा हुआ है, वेजिटेरियन, ये भी हम खा सकते हैं। देखें, फ्रोजन सब्जियाँ, एम के की स्टैम्प, एम के की स्टैम्प, ये देखें जी, चिप्स पड़े हुए हैं यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर में, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें सी ओ आर, अच्छा इसमें चेडर चीज़ है, लेकिन ये सी ओ आर है, इसमें जो चैटर चीज़ यूज़ हुई होगी वो माइक्रोबायल एंजाइम वाली यूज़ हुई होगी, वो हम खा सकते हैं। ये देखें वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, एम के की स्टैम्प, कॉर्न्स हैं, एम के की स्टैम्प, पास्ता और नूडल हर घर में बनते हैं, ये देखें सी ओ आर की स्टैम्प, सी ओ आर की स्टैम्प, कैचअप, ये देखें एम के की स्टैम्प, साथ ही ये बेकिंग का स्टफ पड़ा हुआ है, ये देखें यू एंड डी, तमाम साइन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये देखें यू एंड डी जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको सारी जो चीज़ें बताई हैं, जो हमें ग्रॉसरी के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, हमें एज ए मुसलमान होते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कि हमें पाकिस्तान में भी ब्रांड की चीज़ें या बाहर की इम्पोर्ट हुई हुई चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है, तो मैंने वहाँ पर, मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि जब इस दफ़ा मैं पाकिस्तान गया तो अब बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, मेट्रो है, कारफोर है, उन स्टोर्स में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिनमें रेनेट, लिपेज या मोनो एंड डी जी क्लस्टराइड्स पाए जाते हैं, और लोग बड़े आराम से वहाँ से बाय करते हैं और घर पर जाकर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। प्लीज़ जब भी आप किसी बड़े स्टोर में पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ बाय करते हैं जो इम्पोर्ट हुई हुई है, उसको ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखा करें ख़रीदते वक्त में, उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ें ना हो, अगर हैं तो कोई ना कोई उसकी सर्टिफिकेशन या स्टैम्प ज़रूर देख लिया करें कि इनकी क्या वो सर्टिफिकेशन इनके पास वो है, ये चीज़ हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो इंशाल्लाह इस तरह की और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो ज़रूर किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।